माइटेक चैनल, आज हम बात करेंगे एफसी सॉफ्टवेयर लिमिटेड के बारे में और इसका जानेंगे टारगेट, नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, नेक्स्ट लेवल। पहले देखिए मैं जीरो के चार्ट पे हूँ। इसका देखिए वन ईयर का डाटा, वन ईयर पे कंपनी का सबसे लो था आपका 0.77 पैसा। यहाँ से कंपनी रिटर्न आपको दौड़ा है कब, 1.43। ये आपका 11/12/2021 आपका नवंबर में, ठीक है। यहाँ से देखिए एक रैली देखा आपका 2.53 और यहाँ से फिर देखिए कंटिन्यूस रैली चला गया आपका 8 रुपीज़, मतलब 2 रुपीज़ डायरेक्ट 8 रुपीज़ चला गया। फिर देखिए ब्रेक किया, फिर देखिए ब्रेक करके ये आपका सपोर्ट जोन लिया 3.33 पे। यहाँ से फिर ऊपर उठा, फिर देखिए नीचे की ओर गिरा, ठीक है। ये कुछ दिन गिरा और ये कंसोलिडेट कर रहा एक लेवल पे, देखिए ये आपका 375 और ये आसपास 426, मतलब ये 80 पैसे आसपास ये ट्रेड कर रहा है। मैं आपको वन ईयर का डाटा दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये देखिए नीचे की ओर 386 पे आज ओपन हुआ था और 424 गया था और ये 4.08 पे ये क्लोजिंग दिया है। इसका अगर नेक्स्ट टारगेट रहेगा तो इसको ये क्रॉस करेगा आपका 5 रुपीज़ आसपास नेक्स्ट टारगेट, ठीक है। क्योंकि अभी ये तो अभी ये लेवल आपको टच कर दिया है 434, अब इसका 5 रहेगा और उसके बाद ये तोड़ता है तो इसका 640 और 680 और 5 इसका नेक्स्ट दो टारगेट है। उसके बाद आपको फिर से 8 लेवल देखने को मिल सकता है। क्योंकि शेयर तो बहुत अच्छा शेयर है, क्योंकि अभी इसका क्वार्टर रिजल्ट हम लोग वेट करेंगे। क्वार्टर रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो देखिए लोअर स्टील जैसा भागा था ना आपको 20 रुपीज़ डायरेक्ट कंटिन्यूस, ये भी ऐसा भाग सकता है, ठीक है। दोनों पेनिंग सर 80 पैसे 70 पैसे के आसपास था और दोनों ऐसा उसमें पॉजिटिव न्यूज आ गया पिछला क्वार्टर जो, ठीक है। तो इसके वजह से उसका पूरा प्राइस चला गया आपका 20 रुपीज़। ये भी ऐसे ही भागने वाला है अगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया तो इस क्वार्टर पे। उसका देखते हैं क्वार्टर रिजल्ट और वेट करते हैं इसकी, इसका शेयर होल्ड करके। अभी इसका शेयर धमाका करेगा अगर क्वार्टर रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो, इसको शेयर होल्ड करके अभी रख सकते हो। इसका देखिए ये चार्ट है, सॉफ्टवेयर लिमिटेड 4.10 और 0.05 यहाँ पे दिखा रहे हैं, 1.23% दिखा रहे हैं। 390 पे ओपन होता 420 गया है, ये 52 एक लो है 0.60 और आया है 8.30। रेवेन्यू देखिए 17 से 2021 तक ये 36 करोड़ मिला था रेवेन्यू, फिर देखिए 34 फिर 40 37 34 ये मिला है इसको। देखिए मैं NSE के साइड पे हूँ, यहाँ पे एस एस सॉफ्टवेयर लिमिटेड ये 4.05 ये क्लोजिंग दिया है। फेस वैल्यू देखिए 1 रुपीज़ है, वॉल्यूम देखिए कितना ट्रेड हुआ आज के दिन 1,05,22,649 और इसका ट्रेड वैल्यू है 419 और फ्री फ्लोट मार्केट क्या है 504 है और 52 का है 8.30 और लो है 60 पैसा। यहाँ पर डिलीवरी क्वान्टिटी देखिए टोटल 65,58,917 शेयर डिलीवरी में ओनली उठाए गए जो कि 62% है। तो चलो बात करते हैं अभी 3i इंफोटेक के बारे में। ये आज देखिए गैप अप ओपनिंग हुआ था 72 आसपास ये गया था और ये गिरा और गिर के अभी 69.10 पे क्लोजिंग दिया 1.55 रुपीज़ और 2.29%। ये मनी कंट्रोल साइड पे दिखा रहे हैं। चलो देखते हैं इसका, देखिए इसका एक बड़ा बिग डील हुआ है जिसका अभी हम लोग देखेंगे न्यूज। 3i इंफोटेक लॉक्ड इन द ऑफर सर्किट ऑन द वर्निंग आर एस 6 करोड़ डील, अभी 6-6 करोड़ का डील इसका हुआ है जिसके उसके ऑफर सर्किट में लगा है बोल रहे। 3i इंफोटेक 12BSE इट्स सिक्योर ए क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन डील फॉर इट्स न्यू रे प्लेटफॉर्म फ्रॉम वन ऑफ द लार्ज कमर्शियल बैंक इन द एशिया पैसिफिक रीजन। लार्ज कमर्शियल बैंक में इसका क्लाउड ट्रांसफॉर्मिंग का डील हुआ है जो कि 6 करोड़ का। देखिए वो न्यूज़ क्या है, 3i इंफोटेक शेयर प्राइस वॉज लॉक्ड इन 5% ऑफ आवर सर्किट ऑन April 5 आफ्टर द आईटी फर्म अनाउंस इट्स हैज बैक्ड अनदर कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड इन द लास्ट 1 वीक। द स्टॉक ओपन एंड क्लोज एट द 59.39 ऑन द BSE। द स्मॉल कैप आईटी कंपनी टोल्ड BSE ऑन April 4 दैट इट हैज सिक्योर ए क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन डील ऑफ इट्स न्यू रे प्लेटफॉर्म फ्रॉम द वन ऑफ द लार्ज कमर्शियल बैंक
द एशिया पैसिफिक रीजन, इसकी वजह से सीआर में आपको तेजी देखने को मिला है। अभी बिग न्यूज देखिए, बड़ा न्यूज क्या है, ऑन द मार्च 30 द कंपनी हैज साइन मास्टर सर्विस एग्रीमेंट MSAS विद द सिक्स फार्म धानी लोन सर्विसेस, अमर राजा बैटरी, आभास फाइनेंस, यूरो लर्निंग सॉल्यूशन, विशाल मेगा मार्ट इन द रॉकमैन इंडस्ट्री। द स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज 10.50 करोड़ द कंपनी सेड। मतलब इसका जो स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है 10 करोड़ का है, या अभी 6 फार्म में ये मास्टर एग्रीमेंट साइन किया, मतलब कंपनी का वाह वाह, मतलब बहुत जिसका जल्दी शेयर प्राइस फिर 100 टॉच करेगा। कंपनी क्या है देखिए, SC इंफोटेक लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड 1993 कंपनी एज अ बैक ऑफिस प्रोसेसिंग कंपनी बाय ICICI लिमिटेड। ICICI लिमिटेड बैक ऑफिस कंपनी है। थ्री इन्फोटेक इज द नाउ ग्लोबली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। द कंपनी बिजनेस एक्टिवली आर डिवाइडेड इन टू कैटेगोरीज, द IT सॉल्यूशन एंड द ट्रांजेक्शन विद इट्स हेड ऑफिस इन मुंबई। द कंपनी हैज प्रेजेंस इन द मोर देन 50 कंट्रीज। बहुत बड़ा कंपनी है ICICI ग्रुप, ICICI लिमिटेड का ये है, और ये मार्केट कैप है 1153, करंट प्राइस है 68, और इसका लो है गया था 6.119, डिविडेंड 0 दिखा रहा है, फेस वैल्यू देखिए 10 रुपीज। आज का देखिए वॉल्यूम कितना ट्रेड हुआ है, क्या हुआ है देखिए, यहाँ पे मैं NSE के साइड पे हूँ, यहाँ पे देखिए 69.10 पे क्लोजिंग दिया 1.55 और 2.90 29। अभी फेस वैल्यू देखिए 10 रुपीज़ है, ट्रेड वॉल्यूम देखिए 16,20,1674, ट्रेड वैल्यू निकल कर रहे 1,130। फेस वैल्यू देखिए इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप है 1,027, 52 एक हाई है, हाई है 119, लो है 29। यहाँ पे देखिए डिलीवरी क्वांटिटी, डिलीवरी में देखिए इसका उठाया गया 7,57,287, जो कि 46.70% आपका उठाया गया, जो कि बहुत बड़ा न्यूज है। और कंपनी अभी देखिए सिक्स जो MSAS एग्रीमेंट जो हुआ है, ठीक है, मास्टर साइन एग्रीमेंट जो भी ये हुआ है किसके साथ, 6 कंपनी के साथ, 6 कंपनी है आपका, एक में क्या मार्ट था, वी मार्ट कुछ था, और आपका धानी था, ठीक है, ऐसा 6 कंपनी आपको MOU साइन हुआ है। तो कंपनी का CR तो प्रेस आ गया और बहुत आगे जा, क्योंकि अभी इसका जो पहला साइन है 10 करोड़ आसपास हुआ है, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हो इसका प्राइस कितना जाएगा। तो फ्रेंड्स चलो रखता हूँ, बाय, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और जानते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में।